हिंद डिफेंस एस्पिरेंट, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका जो ए टू जेड मेडिकल के बारे में बात करूंगा। बिल्कुल आर्मी टाइप का आपका मेडिकल होगा। जो भी चीज़ें आपको बताऊंगा, हमारे साथ सुनील है जो कि एक आर्मी एस्पिरेंट में होगा, फर्दर मेडिकल होगा, तो ये मेरे पास आए थे तो मैंने इनको बोल दिया कि हम साथ में ही आपका मेडिकल कर लेते हैं, देखते हैं ये फिट है कि नहीं। ये भी जाएंगे अभी रैली में, यहाँ से अगर हम फिट इनको कर देते हैं तो आगे भी रैली में ये फिट हो जाएंगे। साथ में मैं आपके लिए दो चार्ट लेके आया हूँ, देख सकते हैं आप क्लियर स्क्रीन पर। ये है आपका जो कलर विजन चार्ट, ये बताऊँगा कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें लिखा रहता है, और ये बताऊँगा डिस्टेंस विजन कितने मीटर से आप देखते हैं इसमें। जो पहले हम सबसे पैर से शुरू करेंगे, इनकी पैर से शुरू करेंगे, उसके बाद आप ध्यान से देखते जाना, ठीक है। अगर आप चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर पुराना हो तो एक लाइक कर दो और फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे ये देखते हैं इनका कैंडिडेट है, इसको रख लेते हैं अभी। तो यहाँ पर क्या है, पहले इनको ऐसे खड़ा कर दिया जाएगा। इनका पहले होगा हाइट मापेंगे, ठीक है। इनका क्या है, हाइट जितना चाहिए जिस ट्रेड के लिए जितना चाहिए आपको पता है वो नापेंगे। जब हाइट नापते हैं तो आपकी पैर जुड़ा रहता है, पैर जोड़ लो, ठीक है, ऐसे और सीधा देखो ये, और ये इनका इतना रहता है। इधर से एक हाइट नापना आता है, ये जो बाल आपने बढ़ा के रखा है ये इतना बढ़ा के रखा है, इससे क्या होता है इसको भी दबा देते हैं, ऐसे दबा के इनका हाइट नापते हैं, ठीक है। उसके बाद हाइट करने के बाद आपका बी रिलैक्स हो जाओ, उसके बाद आपका क्या वेट होता है, वेट होता है वहाँ पर एक वेट मशीन होगा, विंग मशीन होगा। तो उसमें कैसे होगा, आपकी हाइट में आपकी हाइट कितना है, आपकी एज कितना है, उसी हिसाब से आपकी वेट कितना बनता है उसके अंदर होना चाहिए। 400-500 ग्राम इधर उधर का हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका चेस्ट नापा जाएगा। चेस्ट कैसे नापा जाएगा, हाथ खोलते हैं, ठीक है। चेस्ट नापने के लिए आप दोनों पैर जोड़ लेंगे, उसके बाद ये हो गया इनका चेस्ट, और इस हाथ को ऊपर कर लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इन लोग फित्ती नाप लेगा और इधर से देखेगा आपका मिनिमम 77 होना चाहिए, उसके साथ आपकी 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, मतलब 82 आपका जो चेस्ट होना चाहिए, ठीक है। जब चेस्ट एक्सपेंशन करते हो ये हाथ को डाउन कर लेना है और यहाँ से वो फित्ती डालेंगे, चेस्ट फुलाओ, हाँ। तो इनका देखो इतना ही फूल रहा है, रिलैक्स, तो इतना नहीं फुलाना, इतना फुलाने से आप रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है। चेस्ट फुलाने का एक तरीका होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये खड़े हो, आपका चेस्ट उन्होंने ले लिया, आप रिलैक्स हो गए। जब चेस्ट बोलते हैं कि चेस्ट फुलाओ तो रिलैक्स हो जाना पहले, फिर सांस से लेना, और सबसे बढ़िया पोजिशन ये है, सांस से लिया, ये इतना आपकी चेस्ट फुलना चाहिए, देखा कितना चेस्ट फुला है, 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, ठीक है। ऐसे बिल्कुल हवा लेना, दोबारा बता देता हूँ, हवा अंदर लेना फिर फुलाना, पहले फुला के फिर हवा लेने से आपका नहीं फूलेगा, पहले रिलैक्स छोड़ दो बिल्कुल, उसको कर दिया, करने के बाद इसको ऐसे करो और इतना चेस्ट आपका एक्सपेंशन होना चाहिए। हाथ थोड़ा सा, ये हाथ है ना, पीछे कर लो ताकि चेस्ट और आगे हो जाए, ठीक है। ज़्यादा पीछे नहीं करना, इतना कर लोगे तो थोड़ा आपका चेस्ट और आगे आ जाएगा, ठीक है। लड़कियों में ये टेस्ट नहीं होता, ये बहुत लड़की और लड़के के लिए, दोनों के लिए है, साथ में बताता जाऊँगा, लड़कियों का भी बताता जाऊँगा। तो ये आपका हो गया चेस्ट एक्सपेंशन। उसके बाद आपका शुरू होता है मेडिकल। मेडिकल में आपकी पहले आँखों का टेस्ट होता है, ठीक है। चलिए हम नीचे से जाते हैं, नीचे से बात करते हैं। जैसे इनका पैर देख लीजिए, इनका उंगली गिनती हो गया, जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा उंगली नहीं होना चाहिए, ठीक है। 6 या 7 उंगली नहीं होना चाहिए, और आपका उंगली का जो साइज़ है, छोटा बड़ा है तो इतना चल जाएगा, बहुत ज़्यादा छोटा है वहाँ पर मेडिकली प्रॉब्लम आएगा, आपको रेफ़र किया जाएगा, ठीक है। वहाँ पर उधर से फिर यहाँ पर आपके कट मार्क्स होता है ना, जैसे इनकी कट मार्क्स है, यहाँ पर आपके बहुत सारे पॉइंट आता है कि क्या कट मार्क्स में, मतलब वो सारे चीज़ें देखा जाता है। तो कट मार्क्स कोई भी रिजेक्शन का कारण नहीं है, कट मार्क्स को कोई रिजेक्ट नहीं करता, तो आपका कट मार्क्स का कोई भी रिजेक्शन नहीं होगा, तो इसमें रिलैक्स रहना। उसके बाद आपका क्या होगा, नॉकनी टेस्ट, उसके बारे में आपको वीडियो दिया था, होप आई आप लोगों ने सारे ने देखा होगा और सीखा होगा कुछ। अभी देखना, पैर जोड़ो, हाँ, अभी सीधा खड़ा हो जाओ, देखा इनका, देखो ये गैप है, इनका थोड़ा सा गैप है, यहाँ पर थोड़ा सा खोलो, हाँ बस इतना, इतना सा ही खुलेगा बस, अभी खड़ा हो जाओ। देखो ये एक पेन या फिर स्केल मुताबिक का गैप होना चाहिए, ठीक है। ये पैर को जोड़ो, हाँ, इसको भी जोड़ो, हाँ। अभी अगर आप ऐसे खड़े हो गए, देखो ये रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ऐसे खड़े हो गए, देखा यहाँ पर, देखो ये बोलेगा नोकनी है, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है, थोड़ा सा पैर को खोलना है, थोड़ा सा, हाँ, जस्ट खोलना है, और यहाँ पर थोड़ा सा गैप देना है, ठीक है, अपना आप खुद कर लेना है, ठीक है। वहाँ पर देखिए मेरा थोड़ा सा खुला, ये देखो एक स्केल का गैप है, दिख रहा है, एक स्केल का गैप आपका होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पर जानबूझ के ऐसे करके ऐसे खड़ा नहीं हो जाना, ये देखो पूरे नोकनी है, रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है। वहाँ पर ध्यान रखना ये चीज़ें, ठीक है, ऊपर नीचे चलता रहता है वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद वो ऊपर से आएंगे तो आपके जो हाथ है और उंगली है, इसका टेस्ट होता है। जैसे ये हाथ है इसका, जो ऐसे करो, हाँ, यहाँ देखो इनके हाथ बिल्कुल सीधा, बिल्कुल ये फिट है, ठीक है। यहाँ से अगर टेढ़ा है आपके हाथ तो कितना डिग्री होना चाहिए, लड़कियों में वो होना चाहिए 18 डिग्री, ठीक है। 3 से लेकर 18 डिग्री तक आपका यहाँ से इधर तक हो सकता है, ठीक है, बेंड हो सकता है 3 से लेकर 18 डिग्री तक, और लड़कों में 12 डिग्री तक, ठीक है। 12 डिग्री तक आपका हैंड यहाँ पर, जैसे जैसे मेरा देखो, इनका और मेरा देखो, हाथ देखो बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल, ठीक है, स्ट्रेट है। अगर टेढ़ा है तो 12 डिग्री, अगर आप लड़का है 12 डिग्री, लड़की है तो 18 डिग्री, ठीक है। और लड़कियों में जो ब्रेस्ट टेस्ट है, रिलैक्स हो,
लड़कियों में जो ब्रेस्ट टेस्ट है, आपकी जो ब्रेस्ट है वहाँ पर कोई कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर या फिर ब्रेस्ट अगर डिजीज है वहाँ पर रेफर किया जाएगा आपको। दूसरी बात, याद रखने वाली बात, आपकी जो ब्रेस्ट का साइज काफ़ी मायने रखता है, आपकी वेल डेवलप्ड होना चाहिए, ठीक है। वेल डेवलप्ड मतलब उसकी जो साइज है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। उसमें क्या होता है, जब रनिंग में करते हैं आपको प्रॉब्लम आता है, ठीक है, उसका भी एक टेम्पररी रिजेक्शन होता है। आफ्टर एमएच में आप जाने के बाद अगर वो सोचते हैं कि हाँ ठीक है ये चल जाएगा, देन आपको एंट्री कर लिया जाता है, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। उसकी भी एक्सरसाइज है, आप उसको बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक ठाक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए यहाँ से आप गए, यहाँ पर आपकी उंगली टेस्ट होगा, जैसे आपके पैरों की उंगली टेस्ट हुआ यहाँ पर आपकी उंगली टेस्ट होगा, ठीक है। ये देखिए इनकी उंगली, देखिए यहाँ पर 6 उंगली नहीं होना चाहिए मेनली। उसके बाद ये जो उंगली है इनमें से कोई फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए, ठीक है, और उंगली में सारे में नाखून होना चाहिए, नेल्स होना चाहिए, दिखाओ, देखिए। और जब भी जाते हो आप, स्ट्रेट करो, हाँ जब भी जाते हो ना, ये नेल्स, ये जैसे इन्होंने बढ़ाए इसको काट के जाना, वो बोलता है ना कान से निकाल के जाना और ये सारे चीज़ करके जाना, ये नेल्स काट के जाना, ठीक है। उसके बाद धीरे आएंगे तो आपकी जो प्राइवेट पार्ट का चेक होगा, ठीक है। प्राइवेट पार्ट में क्या चेक होगा, जो आपकी पेनिस है वो क्या होना चाहिए, जब उसको उसके ऊपर जो स्किन है उसको जब खींचेंगे वो बढ़िया से खिंचावट होना चाहिए, उसमें कोई भी आपका दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो आपकी बॉल्स है उसमें क्या है, साइज छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। उसको पकड़ेंगे, पकड़ने के बाद खांसने के लिए बोलेंगे, आप आराम से खांसिए, एक दो बार खांसिए, उसको खांसने के बाद उनको पता चल जाता है। अगर सांप के साइज़ में डिफर है, छोटा बड़ा है, तो आप वहाँ पर रिजेक्ट हो जाओगे। अगर आपकी साइज़ सेम है या फिर थोड़ा छोटा बड़ा है तो चल जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा गैप है तो नहीं होगा सिलेक्शन आपका। अगर आपकी साइज़ बिल्कुल बढ़िया है, पेनिस से आपका जो स्किन है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है खिंचावट के कारण, तो आपको कोई भी क्या बोलते हैं, आपके कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप सिलेक्ट हो जाएगा। वहाँ पर पेनिस में और एक चीज़ें देखा जाता है, जो आपकी टीप रहता है जहाँ से यूरिन निकलता है, ठीक है, वहाँ पर जो टीप है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ताकि ये जो सिलेक्शन इसलिए किया जाता है कि आपको ट्रेनिंग में या फिर ड्यूटी के दौरान कोई मुश्किल ना हो, ठीक है। आपकी जो यूरिन है बढ़िया से मतलब आउट होना चाहिए, ठीक है। वो चीज़ें भी थोड़ा सा वाइड करके देखा जाता है कि ये ठीक है कि नहीं। गर्ल्स की मैं बता देता हूँ, गर्ल्स की जो प्राइवेट पार्ट है उसका एक डिटेल वीडियो है, यहाँ पर मैं डिस्कशन नहीं करना चाहूँगा। चैनल पर आपका बिल्कुल बता दिया जो अनमेरिड के लिए क्या है, मेरिड के लिए क्या है, बिल्कुल बनाया हुआ है, जाके देख सकते हैं आप। ऑली उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उनमें से कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ लेना। चलिए ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ से ऊपर जाते हैं, यहाँ पर ज़्यादा चेक नहीं होता, ठीक है। होने के बाद यहाँ कंधों कुंधों का कोई चेक नहीं है, यहाँ पर सीधा आते हैं आँखों की टेस्ट और कानों की टेस्ट। कानों में लाइट मार के देखा जाता है, आपके जो कान है उसको साफ करके जाना, क्लियर आपको एक विजिबल साउंड जो भी है सुनाई देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो कान और आंखों का अलग अलग टेस्ट नहीं होता है, एक ही साथ हो जाता है, ठीक है। एक ही साथ कैसे होता है देखो मैं बताता हूँ, वो दोनों टेस्ट एक ही साथ कर लेते हैं। जैसे ये है, ठीक है, ये है आपका आंखों का टेस्ट, या क्या करेंगे यहाँ पर खड़ा हो जाएंगे, 6 फीट, सॉरी कितना फीट है, 20 फीट, 20 फीट के दूरी पर खड़ा रहेगा ये लेके, ठीक है। ये है आपकी जो डिस्टेंस विजन चार्ट है ये आएगा, और ये है आपकी क्या बोलते हैं इसको, कलर विजन चार्ट। यहाँ ये जो डिस्टेंस विजन है आपका 20 फीट में खड़ा हो जाएगा, वहाँ पर एक सोल्जर्स ऐसे खड़ा हो जाएंगे और उनको पूछते रहेंगे, जैसे ये क्या है, हाँ, और ये क्या है, के है, ये आर है, और ये देखा, इन्होंने बिल्कुल क्लियर बता दिया के आर, जितना भी मैंने पूछा इनको, शायद ये नहीं पूछते ज़्यादा क्योंकि ये तो बहुत दूर से दिख जाता है, ये वगैरह पूछते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको हर एक लेटर के लिए 3 सेकंड मिलता है, कितना, 3 सेकंड मिलता है, आप सोच के बिल्कुल पढ़ के उसको जवाब दीजिए, ऐसे जवाब ना दीजिए क्योंकि हमारा डिस्टेंस कम है इसने बता दिया, ठीक है। वहाँ पर अगर ये एन आपको पता चल रहा है तो आपके पास 3 सेकंड का चांसेस है, वहाँ पर 3 सेकंड देखिए, उसके बाद इसका आंसर करिए कि सर के है। उसके बाद वो जैसे ही डॉट घुमाते हैं यहाँ पर, ये है सी, वहाँ पर देखिए आप, देखिए आपको लगा सी है सी, तो वहाँ पर वो पूछेंगे आपको कभी कभी कि यह क्या है, ये क्या है, ये क्या है, या फिर तो सीधा मार देंगे वहाँ पर, ये ऐसे रखते जाएंगे, ठीक है। वो डिपेंड करता है, जो मैक्सिमम यही करते हैं कि पहले बोलेंगे, पहले बात बोलेंगे ये क्या है, फिर आप बोलोगे एन, उसके बाद वो रखते जाएंगे, आप बताते जाना, घबराना नहीं है, आराम से, तसल्ली से, इजीली, बिल्कुल पेशेंस के साथ उनको ये जवाब देना कि सर ये एस है, 3 सेकंड आपके पास टाइम है, उससे पहले आपको रिजेक्शन नहीं कर सकता है। दूसरी बात यहाँ पर बता दिया मैं, 20 फीट की दूरी होता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या, कलर विजन टेस्ट, ये है कलर विजन टेस्ट, इनमें से एक नंबर लिखा रहता है, देखिए, ठीक है, जैसे इनमें है 21, ठीक है, इनमें है 42, यहाँ पर देखिए इस कलर में कुछ भी नहीं है, ये एस लिखा है, वाई ई एस, ठीक है, यहाँ पर ES लिखा है, तो यहाँ पर नंबर नहीं पड़ता ना, बोलना कोई नंबर तो होगा पक्का, या फिर बोलना सर कुछ नहीं है, कुछ नहीं नहीं, ये देखो ES है। यहाँ पर ये थोड़ा सा क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट में कलर प्रिंट है, वहाँ पर बिल्कुल एक किताब है, वहाँ पर आपको दिखा जाएगा, उनमें से तीन आपको, तीन क्या बोलते हैं, 3 सेकंड यहाँ भी मिलेगा। उसके बाद आपको नज़दीक से यहाँ से दिखाएंगे कि भाई ये बता कि क्या बोलते हैं इसमें क्या है, ठीक है, समझ गए आप, यहाँ से, हाँ क्या है,
पास में ही आपको खड़ा करेंगे, वहाँ से पूछेंगे भाई ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। मुश्किल से 4 या 5 लीटर, उनमें से 4 या 5 लीटर। ज़्यादा घबराते हो आप लोग, ज़्यादा टेस्ट नहीं होता, एक बंदे के लिए मेनली 5 मिनट का टेस्ट होता है, उनमें से आउट कर देते हैं। ठीक है, आप सोचोगे कि मतलब इतना बहुत बहुत दिन तक होता है, ऐसे नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट रहते हैं। तो आई विजन में आपको कोई भी दिक्कत है, 6x6 और 6x9 बताया था, जो 6x6 आँख है उसको ये वाला लाइन, ये जो 6x6 का बोल रहा हूँ, ये लास्ट वाला लाइन दिख रहे हो, ये लास्ट वाला लाइन सबसे ज़्यादा, ये अगर उसको दिख रहा है तो इसका मतलब वो 6x6 है। और ऊपर से एक दो लाइन छोड़ कर अगर नीचे तक दिख रहा है ये, उसका मतलब 6x9 है। इसका मतलब जो 6x6 देख रहा है वो बिल्कुल डिस्टेंस क्लियर वर्जन फिट है, 6x9 भी फिट है, उसको भी मतलब कंसिडर किया जाता है बहुत सिपाही फर्मा NA एयरफोर्स नेवी सभी में। ठीक है, उसके बाद मायोपिया का उसका है, पावर है, वो सारे चीज़। और जो आपका एक आता है कौन सा ऑपरेशन, वो लैसिक ऑपरेशन ऐसा कुछ आता है, तो वहाँ पर क्या है, वो ऑपरेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ क्षेत्र में अलाउड है, तो वहाँ पर आप कमेंट करना आपकी आंखों का पावर कितना है, उस हिसाब से मैं आपको सजेस्ट कर लूँगा आप लोग फिट है कि नहीं। आई होप इसमें आपको क्लियर हो गया होगा आई चार्ट में। तो वहाँ पर जो ईयर है, वहाँ पर एक क्या करेंगे, आपकी जब भी आई चार्ट में दोनों आँखें नहीं खुला जाता है, एक चीज़ जैसे ये आँख, या तो खुद बोलते हैं कि इसको नुकड़ा जोड़ना, ये इसको बंद कर लो, खुद बंद कर लो, या तो वो खुद ही बंद कर लेते हैं, सबसे बढ़िया ये खुद बंद कर लेता है। ठीक है, एक आंख से, फिर दूसरे आंख से इसको क्या करना, इसको करना, फिर पढ़ेंगे। ठीक है, 3 लेटर इसका, 3 लेटर उसका। ठीक है, और जो कलर विजन पढ़ते हो तो दोनों आंखें आपकी खुली रहती है, वहाँ पर बंद नहीं करते। ठीक है, तो इस हिसाब से आपकी यहाँ पर आई टेस्ट हो जाता है। जो ये वाला टेस्ट है वो जब पूछते हैं आपको, हमारा जो मेडिकल होता है वो सीधा पूछ लेते हैं, भाई ये क्या है, ये क्या है, के है। तो ये पूछने के बाद इसका मतलब आपको सुनाई भी दे रहा है, और आपकी दोनों आंखें ऐसे करके एक बार इसमें और एक बार इसमें, इसका मतलब आपकी दोनों आंखें दिखाई दे रहा है, और आपका इसमें आई टेस्ट भी हो गया। मतलब ये लड़की के लिए, लड़कों के लिए, दोनों के लिए आपके आई टेस्ट हो गया, समझ गए आप। ठीक है, उसके बाद आपका आता है पाइल्स टेस्ट। पाइल्स टेस्ट बहुत ज़्यादा केसेस में आप पूछते हैं कि ऑपरेशन है तो सर क्या है, वो डिपेंड करता है। अगर आपके ऑपरेशन आपको पक्का रेफर करेगा मिलिट्री हॉस्पिटल में, वहाँ पर रेफर करने के बाद ही आपका सिलेक्शन होता है। अगर आपने ऑपरेशन किया, अगर आपका पाइल्स है तो वहाँ पर परमानेंट रिजेक्शन आपका कर दिया जाता है। पाइल्स टेस्ट कैसे किया जाता है, जैसे एट आग बुझो बैंड हो जाओ, हाँ ये ऐसे हो गया, यहाँ पर आपकी पाइल्स टेस्ट होगा, वहाँ पर डॉक्टर आएंगे और टॉर्च मार के उनको देखेंगे। ठीक है, वो चीज़ देखें, उनके बाद उनको पता चल जाएगी पाइल्स है, तो वहाँ पर उनको रिजेक्शन कर देंगे। ठीक है, आपका उसी टाइम रिजेक्शन कर देंगे। उस अगर आपका वहाँ पर ऑपरेशन है, अगर आपने ऑपरेशन किया हुआ है, तो वहाँ पर MH में आपको रेफर किया जाएगा। करने के बाद उसके बाद क्या है, आपको सिलेक्शन करेंगे कि नहीं MH में करेंगे। उसके बाद फ्लैट फुट, ठीक है, फ्लैट फुट चेक करेंगे, पैर उठाना, फ्लैट फुट भूल गया था मैं। देखिए इनका पैर, देखिए यहाँ पर गैप है, ये फर्स्ट क्लास इनका गैप है। ठीक है, यहाँ पर आप जब दौड़ते हो कोई दिक्कत नहीं होता इनको, क्योंकि इन्होंने रनिंग क्लियर किया। ये देखो इनका फ्लैट फुट नहीं है, जिसका फ्लैट फुट है ये सीधा होगा बिल्कुल। ठीक है, सीधा होने के कारण क्या है, वो फ्लैट फुट है, वो उधर ही रिजेक्शन हो जाएगा। इसका भी इलाज है, अगर थोड़ा सा आपका गैप है, आप फिट हो, उसका भी इलाज है। और उसका एक पैड आता है, नी पैड करके आता है, यहाँ पर लगाने के लिए अमेजोन में मिल जाएगा आपको, नहीं तो कमेंट कर लेना, मैं लिंक दे दूंगा। वो लगा के आप अगर 12 से 13 घंटा आप पहनते हो, वहाँ पर ठीक हो जाएगा। उसके बाद अगर आपकी फ्लैट फुट है तो कभी भी चप्पल नहीं पहनना, गलती से चप्पल नहीं पहनना, स्पोर्ट्स शू पहनना, स्पोर्ट्स शू के अंदर उसको पहनना, कम से कम 14-16 घंटा उसको पहन के रखना, उसको पहन के दौड़ना, देखना आपका फ्लैट फुट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसा कोई भी डिजीज़ नहीं है कि ठीक नहीं होगा। उस दिन आपको वो वाला भी बताया था, नॉकनी बताया था कैसे खड़ा होना, थोड़ा सा एडजस्ट करके अपनी तरफ से खड़ा होना है, ये बोल दिया खड़ा हो जा, पैर जोड़ ले, पैर नहीं जोड़ना ज़्यादा, ठीक है, थोड़े से पैर ऐसे खोला रखना है, और ये देखो थोड़ा सा गैप होना चाहिए, खुद को पता होना चाहिए। ठीक है, ये ट्रिक होता है, कोई यूट्यूबर आपको बताएगा नहीं। ठीक है, मैंने काफ़ी मेडिकल करवाया है इसलिए आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना, कहीं यूट्यूब चैनल में आपको नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ें ध्यान रखना जब भी वहाँ जाते हो। ठीक है, अगर अपनी तरफ से आप बिल्कुल इसको जोड़ के ऐसे गलत तरीके से खड़े हो गए तो वहाँ पर रिजेक्ट कर देगा आपको नौकनी बोल के। ठीक है, ये आपकी सही प्रोसीजर नहीं है, आपकी एक पैर का गैप होना चाहिए। देखो ये उसको जोड़ो पीछे से, हाँ ये एक पैर देख लो और थोड़ा जोड़ो आगे से जोड़ो, हाँ ये देखो पूरा एक पैर है। ठीक है, मेरा पैर जा रहा है और देखो कितना गैप है, मैंने उस दिन बोला था ना 3 इंच का गैप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, देखो बिल्कुल ये रूल्स के अकॉर्डिंग, और देखो बिल्कुल प्रॉपर गैप है यहाँ पर, समझ रहे हो। ये है प्रोसीजर खड़ा होने का, वहाँ पर गलत प्रोसीजर से खड़ा नहीं होना, अगर कोई बोलता भी है तो बताना ये प्रोसीजर यही है। ठीक है, तो इसी में खड़ा होना है। ठीक है, और फालतू आर्गूमेंट नहीं करना यहाँ पर। तो यहाँ पर आपकी हो गया, देखिए हेड का हो गया, ईयर का हो गया, आँखों का हो गया, नोज़ भी आपका चेक किया जाता है, नोज़ में टॉर्च मार के देखते हैं, ज़्यादा कुछ चेक नहीं करते। और आपको यहाँ पर थायराइड वगैरह है, उसका भी परमानेंट रिजेक्शन है, थायराइड को एंट्री नहीं मिलता है। ठीक है, थायराइड वगैरह है आपका, वो परमानेंट रिजेक्शन है, उधर ही आपको रिजेक्ट कर देगा। नेल्स वगैरह अगर आपके नहीं है वहाँ पर आपको रिजेक्ट कर देगा। आप भी आते हैं दांत के टेस्ट में, दांत दिखाओ। ठीक है, इनका दांत देख लो। ठीक है, बिल्कुल इनका सारे प्रॉपर गैप में है, 14 डेंटल, ओके 14 डेंटल पॉइंट चाहिए। ठीक है, ऊपर नीचे करके 14 डेंटल पॉइंट, मतलब दोनों को मिला के एक डेंटल पॉइंट होता है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें होता है, प्री मोलार, मोलार, ठीक है, वो साइड में करके वो पॉइंट के हिसाब से
आपके 14 पॉइंट होता है, 14 डेंटल पॉइंट आपका होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके 28 से 29 दांत है, टीथ है आप में, चाहे लड़की हो लड़का हो, आप फिट हो बिल्कुल, ठीक है, वो मान लेंगे आपको, ठीक है। ऐसे तो 32 होता है, ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आपका 29 या 30 तक भी है ना, 30 तक अगर आपका है, टीथ है बिल्कुल है, तो आप फिट हो। और बोलते हैं कैविटी है या फिर कोई मतलब डिजीज़ है, तो वहाँ पर वो चेक किया जाएगा। अगर वो डिजीज़ आपकी माउथ को ख़राब कर सकता है फ्यूचर में, तो आपको वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा या फिर आपको रेफ़र किया जाएगा। मैक्सिमम केसेस आपको रेफ़र किया जाएगा मिलिट्री हॉस्पिटल में, ठीक है, वहाँ पर रिजेक्ट डायरेक्ट नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर आई होप मैंने सारे टेस्ट आपका क्लियर कर दिया है, पेट से लेके यहाँ तक। इससे ज़्यादा कोई भी टेस्ट नहीं होता है, ठीक है, इससे ज़्यादा कोई भी टेस्ट नहीं होता। आप सोचोगे बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है, माइक्रोस्कोप में डाल के आपकी आँखें चेक होता है, आपकी बॉडी को डाल देते हैं उसमें, ECG करवाते हैं आपकी, या फिर आपको बिल्कुल डाल के अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं बिल्कुल बॉडी की, वहाँ पर इतना टाइम नहीं होता। ये सब कुछ नहीं होता, नॉर्मल टेस्ट होता है, ये इतना ही टेस्ट होता है, ये सिर्फ यूट्यूब का हवा है, ये टेस्ट होता है, वो टेस्ट होता है। एक यूट्यूब में देखा होगा, ये आंखों की एक टेस्ट भी होता है काफ़ी बार, जैसे ये आंखें, ये मैं जहाँ बुलाऊंगा आप आंखें उसको करते रहना, आंखें को ये देखो, आपकी मुंडी नहीं हिलेगा, इनकी आंखें को देखो वो हिला रहा है, ठीक है, हाँ बस उनकी मुंडी नहीं हिल रहा है, बस इनकी आंखें मोल रहा है। तो इस हिसाब से ये भाई मेडिकल फिट है, ठीक है, इनको बस एक चेस्ट एक्सटेंशन का प्रॉब्लम है, वो मैं इनको ठीक करा के भेजूंगा, ठीक है। इस हिसाब से ये मेडिकली फिट है मेरी तरफ से, अगर मैंने सही किया तो वहाँ पर भी कोई और नहीं होगा, मेरे जैसे ही कोई होगा वो भी फिट करेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से इतना ही मेडिकल होता है, गर्ल्स का भी इतना ही मेडिकल होता है, गर्ल्स का सिर्फ एक्स्ट्रा ब्रेस्ट का देखते हैं, और जो फीमेल और क्या बोलते हैं अनमेरिड और मेल में जो वजाइना का टेस्ट होता है वहाँ पर वो चीज़ें चेक किया जाता है। जो मेरिड है उनके वजाइना का टेस्ट होता है, जो अनमेरिड है उनका टेस्ट होता नहीं है, ठीक है। बाकी सारे चीज़ सेम ही प्रोसीजर में सेम होता है, ठीक है। और हाथों का मैं बता दिया, पैरों का बता दिया, नौकनी बता दिया, इसके अलावा अगर कोई भी पार्ट छूट गया होगा तो नीचे कमेंट करना, और वीडियो कैसा लगा कमेंट्स पे बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।